आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूर्णिया सिटी का फॉर्म आप किस तरह से पार्ट टू का फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल से या अपने डेस्कटॉप से। तो और आज जिसका भी इनवैलिड बता रहा है उसके लिए भी मैं बताऊंगा आप अपना पासवर्ड रिसेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ओपन करना है, इसमें आपको सर्च करना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही आएगा यहाँ पर पूर्णिया यूनिवर्सिटी अबाउट पूर्णिया सिटी, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं इस तरह से पेज ओपन हो गया। उसके बाद आप इसको डेस्कटॉप साइज़ में कन्वर्ट कर लें। तो डेस्कटॉप साइज़ में कन्वर्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला ये ऑप्शन आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म पे जैसे ही आप करेंगे क्लिक, तो आप पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस तरह से पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और इसमें पासवर्ड अपना रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर कैप्चा कोड जो है यहाँ पर फिल करना है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे लॉगिन हो जाएगा। और जिसका इनवैलिड बता रहा है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करना, तो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है फॉरगॉट योर पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो मैं देखिए आपको रिसेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो पासवर्ड रिसेट हो गया, योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसेट। और आपका पासवर्ड में ये रखना है स्मॉल में लिखना PASSWORD पासवर्ड, यही आपका पासवर्ड हो गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं, फिर यहां पर आएंगे बैक करके क्लोज करेंगे, यहां इस तरह से पेज खुलेगा। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, यहां पर वही पासवर्ड स्पेलिंग में PASSWORD पासवर्ड लिखेंगे। उसके बाद यहां पर कॉलेज नेम सेलेक्ट करेंगे, यहां कैप्चा कोड जो यहां फिल करेंगे और लॉगिन पे बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं आपका साइड में नाम भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले रेगुलर रजिस्ट्रेशन जो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन दिखाई देगा, एक सिलेबस का है, सेशन, डिसिप्लिन और बैच, कोर्स, ईयर। तो आपको जो भी इसमें सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जैसे देखिए इस पर सेलेक्ट करेंगे 2020 आ रहा, तो 2020 जो जो भी आए उस पर आपको सब कुछ चुन, सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर आपको टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं इसका फ़ी जो है आपका 650 रुपये लग रहा है। तो आप यहां 650 रुपये में आप यहां देख सकते हैं अपना कॉलेज का नाम, रोल नंबर जो वो आ जाएगा, सेकेंड ईयर, यहां पर आप अपना फ़ोटो जो भी डालना चाहे फ़ोटो देंगे, उसके बाद यहाँ पर फुल सिग्नेचर देंगे। उसके बाद फिर नीचे आएँगे तो यहाँ देख सकते हैं आप अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर देंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ नेशनली इंडियन है तो इंडियन, यहाँ रिलीजन देंगे कास्ट का, उसके बाद क्या है जनरल जो भी है मेल फीमेल। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और कौन सा मीडियम, हिंदी या इंग्लिश मीडियम। उसके बाद फिर नीचे आएंगे यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे, ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी फिल करेंगे, और आप अगर दिव्यांग जो भी छात्र हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंपोजिशन में आपका सब्जेक्ट आएगा, तो अपना सब्जेक्ट जो भी है कंपोजिशन में आप सेलेक्ट करेंगे। ऑनर्स जो है उसका यहाँ ऑटोमेटिक शो होगा, और सब्सिडी पेपर जो है वो रखेंगे, यानी कंपोजिशन में आपका हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, तो हिंदी इंग्लिश वाला देख सकते हैं यहाँ पर क्या है NRB RB जो भी आप लिए हैं तो वो। उसके बाद क्या है सब्सिडी पेपर पार्ट जो लिए हैं केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आपका सब्सिडी पेपर पार्ट वन में था वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्ट वन का एग्जामिनेशन कब दिए थे, ईयर कौन सा था और रोल नंबर उसका फिल करेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप अगर रीचेकिंग के लिए दिए हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यस। उसके बाद अगर नहीं दिए हैं तो नो, फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मैं कर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सेव बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पूछ रहा है कि आप जो फिल किए हैं वो सही है या नहीं, तो अगर देखना चाहते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर सेव करना चाहते हैं सेव पे क्लिक करेंगे।
सेव पे बटन क्लिक करने के बाद जो है आपका एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप डेबिट से क्रेडिट से जिसमें भी करना चाहते हैं तो उससे आप पेमेंट करके आप अपना रिसीविंग निकाल सकते हैं और उसको आप कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल। जय हिंद।